तो अखिल भाई, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? सच बताऊं तो मैं उस टाइम भी अच्छी और छोटी कहानियां पढ़ता था। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं आप, मैं उससे, उसने मोटिवेशन दे दिया मुझे, मैं उस वजह से मोटिवेट हो गया। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या खाना पसंद करते हो आपकी च्वाइस है। और कई बार ये भी सुनने में आता है मेरे मम्मी पापा ने या मेरे पेरेंट्स ने मुझे खेलने नहीं दिया, मुझे ऐसे नहीं करने नहीं दिया। हर कोई ना, मतलब एक दो लाइनें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो सिकुआ नहीं करते, सिकुओं में जो उलझे वो पहुंचा नहीं करते। अगर आपने कोई भी चीज अचीव करनी है, दृढ़ निश्चय कर लिया, सब कुछ छोड़ जा रहा है भाई करना है करना है। हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे का कैरियर सुपर डुपर हो, है ना। हर किसी माँ बाप की यही इच्छा होती है। और जो जब कैरियर स्टार्ट होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जब तक आपके अपने खुद के अंदर जज्बा नहीं होगा ना, वो कमिटमेंट नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन या फिर स्पोर्ट्स कोई भी चीज हो, अपने अंदर ही डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हो, क्या इच्छा है। सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति, आपके संकल्प, इन सब पे निर्धारित है। और अखिल भाई, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एक रैंक बरकरार रखने के लिए और स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम करने के लिए आपको क्या क्या चीज छोड़नी पड़ी? भाई मेरे, कोई भी चीज बिना तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते आप। जब तक कमिटेड नहीं हो, जब तक आपने आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो स्टडी हो, कमिटेड तो रहना पड़ेगा कि भाई नहीं यार, मुझे ये सब चीजें करनी है, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, किस तरीके से हेल्दी रहना है, वेल्दी भी जल्दी रह पाओगे आप। तो मुझे क्या करना पड़ा भाई, मैं ऐसा कुछ ही नहीं, बस भगवान का नाम लेता था। एक माइंड में ये था कि अच्छे काम करने हैं, बुराइयों से दूर रहना है, अच्छी संगति में रहना है। और जब आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हो ना, खासतौर पे कहानी की, मैं जैसे मैं ये नहीं कहता कि मुझे, मैं स्पोर्ट्स से ऊपर एजुकेटेड एजुकेशन को मानता हूँ ज्यादा। स्पोर्ट्स अपनी जगह है भाई, एजुकेशन अपनी जगह है, शिक्षा शिक्षा फिर भी सबसे ऊपर है। अगर आप शिक्षित हो ना, शिक्षित का मतलब एक तो हो गया आपको आपके एथिक्स का पता हो, आपके मूल सिद्धांत क्या है, आपको अपने कर्तव्य अपने फर्ज के बारे में पता, जिनका लोप होता जा रहा है, जो लुप्त होते जा रहे हैं। लाइक पहले अगर आप देखोगे लकड़हारे की कहानियां पढ़ते थे, अब उस लकड़हारे की कहानियां बकवास लगती है। पहले ये होता था कि भाई दूसरों की सहायता करो, भगवान आपकी सहायता करेगा, वो सब चीजें लुप्त हो गया। इवन अगर आप, जैसे मैं ट्रैफिक में था, अभी ट्रांसफर होकर आया इधर, तो ट्रैफिक में अगर एग्जाम्पल दिया जाए, कोई खाली जाता हो, सिंगल जाता, तो उसको लिफ्ट दे दी जाती थी, चलो भाई उसकी मदद हो जा रही है, गरीब है वहां तक चला जाएगा। लेकिन आज का टाइम वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे जो एथिक्स थे ना, जो हमारी मॉरल एजुकेशन थी, वो डाउन होती जा रही है। एजुकेशन से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप अगर एजुकेटेड हो ना, आप सबसे ऊपर हो। हम लोगों को यही गुट्टी दी जाती है, या तो पढ़ ले या फिर खेल ले। अभी जैसे एक स्लोगन भी था, बड़ा अच्छा था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। अखिल भाई, मैं आपकी बात करूं तो एक घर के आंगन में खेलने से लेकर अर्जुन अवार्ड जीतने तक की आपकी जो ये ब्यूटीफुल जर्नी रही है, उसकी कोई ऐसी यादगार क्षण आप हमारे साथ शेयर करें। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं होता था। और क्षण अब तो मैं यही बता सकता हूँ कि कमियां हमारे पास भी थी, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं उस चीज को प्राउड फील करता हूँ। मैंने कहां से स्टार्ट किया और मैं कहां पहुंच गया। मैं एज ए डीएसपी 2009 में हरियाणा पुलिस में ज्वाइन किया मैंने। उससे पहले 2001 में मैंने फोर्थ क्लास रेलवे में ज्वाइन की थी। और जब मैं वहां से रिजाइन देके निकला हूं बीजी ओलंपिक के बाद, तो मुझे असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर का ऑफर था। मैं, सुशील और जितेंद्र, हम तीनों को, सुशील ओलंपिक मेडलिस्ट थे बीजिंग ओलंपिक के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कहां से चला था और प्राउड फील करता हूं। ये होता है कि भाई मेहनत करोगे आप भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हो। हमने खेलना किसके लिए स्टार्ट किया? अपने शौक में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जुनून में तब्दील हुआ, फिर हम देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए खेलने लगे जी। फिर ये कोई कहा था तू आ जा बेटा तू खेल, तेरा ये होगा वो करेंगे। अच्छा उस टाइम क्या था भाई मेरे जी, हम लोगों को पता ही नहीं होता था ओलंपिक क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसे, क्या फायदा। इवन अगर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कम ज्ञान होगा। और फिर एक और चीज सुनता हूँ, 135 करोड़ की आबादी मेडल नहीं है,
अरे 135 करोड़ की आबादी जो आवाजें मारते हैं, कितनी आबादी खेल रही है, कितनी आबादी के लोगों को पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से सुबह उठना चाहिए। फिल्मी एक्टर हैं जो कि आजकल मोटिवेट करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, लेट मत खाना खाओ, इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब सुनो टॉप सुनो।